बड़वा समीपस्थ ग्राम कपा स्थल के ग्रामीण इन दिनों विचित्र समस्या से जूझ रहे हैं। माजरा कुछ यूं है कि शमशान घाट पहुंचने वाला मार्ग गहरे खुदे गड्ढों के कारण बंद हो गया है, जिसकी शिकायत करने पर ग्रामीणों से मारपीट एवं गाली गलौज की गई। ग्रामीणों के अनुसार अवैध रेत खनन के कारण ऐसा हुआ है। सोमवार दोपहर कपा स्थल के ग्रामीण बड़ी संख्या में SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने SDM को इसकी शिकायत दर्ज करवाई। कपा स्थल से नर्मदा तट मुक्तिधाम मार्ग पर सेमरला के कुछ ग्रामीणों ने JCB मशीन द्वारा गड्ढे खुदवाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया एवं ग्रामीणों के विरोध करने पर उन्हें गाली गलौज एवं मारपीट कर धमकाया गया, जिसकी नामजद शिकायत स्थानीय पुलिस थाना एवं SDM कार्यालय पर की गई। उल्लेखनीय है कि ये वही क्षेत्र है जहां से अवैध खनन की कई शिकायतें लगातार प्रशासन को मिलती रही है और खुद तहसीलदार ने कई अवैध रेत परिवहनकर्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाइयां की है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। खोद रहे गड्ढा, वो ये गड्ढे काहे के लिए खोद रहे हैं? रेती का मारी। कहां से निकाल रहे थी ये? अपना का भेट मसी। अच्छा, तो इससे रेती खोदने से आपको रास्ता क्यों रोका इनमें? क्या समस्या आपकी? यहाँ समस्या थी हमारे यहाँ की सेमाड़ा वालों का काई आपत्ति पड़ी रहे, तो हमारे मकान कट्टा का जगह गड्ढो के ऊपर जबरदस्ती खोदी रहा दी जाता। हमारे यहाँ कभी मैया थी गई तो आप लोगों ने गड्ढा खोदने से मना किया उन लोगों ने? फिर क्या कहते हैं वो लोग? हमको खोदो गड्ढो, जब भी खोदा गड्ढा जबरदस्ती हमारी और गाय से महल से कई हमारा दो घंटा रोकी ना बकरी चला था बकरी चला था छोड़ी तो भाग्य हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।